कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर बोलते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना एम्स के डायरेक्टर ने भी जताया है तथा आईसीएमआर ने गाइडलाइन भी जारी किया है। डीएम ने बताया कि विभिन्न राज्यों में डेल्टा प्लस स्ट्रेंथ पाया गया है, लेकिन जनपद में इस तरह की कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि देश के मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई में इसको पाया गया है, जिसको देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका अगस्त तक जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके बचाव के लिए जनपद में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रतिदिन जनपद में 25,000 से 30,000 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई से जनपद में 50,000 लोगों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग का वैक्सीनेशन किया जा सके। उन्होंने बताया कि जनपद में 36% लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रयास है कि जनपद के 80% लोगों का कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले वैक्सीनेशन किया जा सके, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर आए तो किसी को कोई नुकसान ना हो। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में 12,000 कुपोषित बच्चे हैं, जिनको अभी से विटामिन दिया जा रहा है, जिससे कि यह बच्चे कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में ना आए। उन्होंने बताया कि इसके बचाव के लिए जल्द ही पंपलेट भी जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें तथा घर में साफ सफाई रखें और मास्क अवश्य लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा, देखिए थर्ड वेव का आशंका तो बहुत सारे एजेंसी ने जताया है। वैसे एम्स का डायरेक्टर ने भी बताया, फिर जो नीति आयोग ने भी बताया, आईसीएमआर ने भी गाइडलाइंस कुछ जारी किए हैं बच्चे के प्रोटेक्शन के बारे में। खासतौर पे जो डेल्टा प्लस करके एक नया स्ट्रेन है विभिन्न राज्य में पाया गया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह पाने के लिए तो खबर मिल रही है, कन्फर्म नहीं हुआ है, गोरखपुर में फिलहाल नहीं है, बट अन्य आसपास का जो प्रदेश है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में मिला है, महाराष्ट्र में मिला है, दिल्ली में भी मिला है। इसलिए हम उसी सबसे तैयारी कर रहे हैं ताकि थर्ड वेव कहीं ना कहीं अगस्त महीने में आने के लिए संभावना है। अभी हम लोग के पास 1 महीना वक्त है, हम 2-3 स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। खासतौर पर जो हमारा जो बचे हुए समय है 1-1.5 महीना जो भी है थर्ड वेव आने के पहले का, उसका हम लोग एक अभियान चला करके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब देखिए होंगे पर डे 25,000 से 30,000 लोग कर रहे हैं। जुलाई पहले तारीख से हम 50,000 लोग पर डे करेंगे। उसी के हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एल्डरली पॉपुलेशन है 18 के ऊपर वाले, उन लोगों को कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम 36% हम लोग कवर कर चुके हैं जनसंख्या का, गोरखपुर जनसंख्या का। हमारा उम्मीद है भले थर्ड वेव आ जाए, जो भी आए ना आए, उसके पहले 80% हमारा जो नागरिक को हम लोग कम से कम 1 वैक्सीनेशन में हम कवर कर देंगे, ताकि थर्ड वेव आ भी जाए तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हमारा चुनौती ज़रूर उस पर है, उसी सेक्टर में, खासतौर पे जो बच्चे को ऊपर असर पड़ सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं ताकि उसके वैक्सीनेशन तो है नहीं, बच्चे तो फिलहाल घर पे है, फिर भी हम सतर्कता जारी कर रहे हैं। खासतौर पे जो उसी सेगमेंट को हम एड्रेस कर रहे हैं, खासतौर पे हमारा 12,000 बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनका अलग हम लोग विटामिन प्रोटीन इत्यादि सारे चीज़ अभी से देना शुरू कर दिए। फिर हमारा टीबी बच्चे करीब 300 बच्चे हैं, और करीब जो मेरा JEE AES का जो अफेक्टेड बच्चे हैं वो भी तकरीबन 400 बच्चे हैं। ये बच्चे हमारा थोड़ा वल्नरेबल कैटेगरी, वीक कैटेगरी कहते हैं, कमज़ोर वर्ग का है, उन्हीं लोग का हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि इन लोग इसी किसी बीमारी के चपेट में ना आ जाए। और बाकी जो अभिभावक का जानकारी के लिए हम लोग बहुत सारे पैम्पलेट्स इत्यादि तो जारी करेंगे। अब फिलहाल 1-2 गाइडलाइंस शासन से आई है और ICMR से आई है, वो हम जल्दी हम आपके माध्यम से सारे जनता का पहुँचाएंगे। बट ये 3 मूल मंत्र हमेशा याद रखें, बच्चे भी बड़े भी जो भी हो, उसको बिना मास्क कतई बाहर नहीं निकलना है। फालतू चीज़ के लिए, अनावश्यक चीज़ के लिए कतई बाहर ना निकलें। आपका ज़रा सा लापरवाही भी आपके घर पे बहुत सारे भारी नुकसान हो सकता है, पड़ सकता है। सेकेंड वेव में हम लोग एड्रेस भी किए थे। और सोशल डिस्टेंस कहीं भी जाएंगे, एक दूसरे जो कितने भी करीब आदमी है, थोड़ा दूरी बनाइए, बनाना सीखिए, उस पर बहुत ज़रूरी है। और घर से बाहर यदि निकलते हैं, वापस आ रहे हैं, ज़रूर हाथ का अच्छा से साफ कर दीजिए, साफ़ सुथरी रखिए आपका जो मोहल्ला, जगह, घर, सभी चीज़ का। ये 3 चीज़ है, यही बचाव है, भले थर्ड वेव आए ना आए, बट यही चीज़ आपका, यही आदत है आपका, जान बचाएगी, केवल आपका
जान नहीं है, आपका परिवार का जान बचाएगी, आपके करीबी के जान बचाएगी। यही मन मेरा जिला प्रशासन की तौर से विनम्र निवेदन के साथ मैं बताना चाहता हूँ, ज़रूर ये तीन चीज़ को हमेशा याद रखें, कम से कम एक साल हमें तो इतने बड़ा दुश्मन से लड़ना ही पड़ेगा।